इस वक्त पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी ने न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी परेशान कर दिया है। बर्फबारी और ठंड से बचाने के लिए नैनीताल में घोड़ों की खूब खातिरदारी की जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में किस तरह से नैनीताल में घोड़ों का ख्याल रखा जा रहा है। ठंड से बचने के लिए घोड़े पी रहे रम, गुड़ तेल अजवाइन खा रहे घोड़े, पैर में बांधी जा रही गरम पट्टी, गले में बांधा जा रहा मफलर। इन दिनों पूरा उत्तर भारत ठंड के आगोश में है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए नैनीताल में लोग अपने जानवरों को ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, तो वहीं घोड़ा संचालक अपने घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए रम पिला रहे हैं। घोड़ों को ठंड नहीं लगे इसके लिए लोग खास इंतजाम भी कर रहे हैं। नैनीताल में घोड़ों की इस तरह से देखभाल हर किसी को भा रही है। घोड़े की अच्छी सेहत के लिए गुड़ तेल अजवाइन को पकाकर खिलाया जा रहा है। वहीं घोड़ा संचालकों का कहना है कि घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए हर जतन कर रहे हैं। घोड़ों को रात के वक्त कंबल और मोटे कपड़ों से ढका जा रहा है, साथ ही उनके पैरों में गर्म पट्टी और गर्दन में मफलर तक बांधे जा रहे हैं। ठंडे से बचाने के लिए, बर्फ से बचाने के लिए पहले हम इनको रम पिलाते थे घोड़ों को, उससे घोड़ों को ठंड नहीं लगती थी। फिर उसके बाद में गुड़ पका के औटी आजमान बो दिया जाता है इसको। फिर ठंड बचाने के लिए इसके ऊपर कम्बल, दो कम्बल डाले जाते हैं, उसके ऊपर चार बोरों की झूल डाली जाती है, क्योंकि उसका पूरा जिस्म उसको पैक कर देता, बंद कर देते हैं। फिर चारों हाथ पैरों पर हम लोग इसके पट्टी लगाते हैं, क्योंकि इसके पैरों पर, नलियों पर, पट्टों पर असर ना पड़े ठंड का। घोड़ा संचालक अपने घोड़ों के पांव के नालों को भी बदल रहे हैं ताकि घोड़े के पांव सुरक्षित रह सके। नाल को बदलने से पहले घोड़े के पांव की नाप ली जाती है ताकि घोड़े के पांव में नाल सटीक बैठे और सही तरह से फिट हो, और नैनीताल आने वाले पर्यटक भी इन घोड़ों में बैठकर सुरक्षित रह सके। नैनीताल से गौरव जोशी, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।